गाइस, हाउ आर यू? व्हाट्स अप? कैसे हो? हियर इज जतिन इन फ्रंट ऑफ यू ऑन दिस ब्यूटीफुल सो चैनल जतिन लेक्चर। गाइस, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले एंड आप क्वेश्चंस के आंसर सबसे पहले पा सके। सो गाइस, चलिए, इन दिस वीडियो बेसिकली वी आर कवरिंग द क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 12.2। A chord of circle radius 12 cm subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. सीधी सी सो बातों की एक बात है गाइस कि एक सर्कल गिवन अपने पास विद सेंटर लेट ओ और एंगल सबस्टेंड करता है सेंटर पे 120 डिग्री। Let this A be. We have to find the area of this. जो मैंने शेडेड किया है ना, ये वाला एरिया हमें फाइंड आउट करना है माइनर सेगमेंट का और रेडियस गिवन है 12 सेंटीमीटर। सो अब कैसे फाइंड आउट करें? जो पहले वाला फॉर्मूला था थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, वो तो केवल तब अप्लाई होता है जब एंगल 90 से कम हो। कौन सा? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होता है गाइस? जब 90 से क्या हो, थीटा छोटा हो। बट 90 से तो बड़ा है थीटा, तो क्या किया जाए? तो दूसरा फॉर्मूला अप्लाई होगा। When theta is greater than 90, we have to apply theta by 360 into pi r square minus r square sine theta by 2 into cos theta by 2. So, ये वाला formula नीचे वाला guys apply होगा when we have theta value is greater than 90 degree. Clear है guys? So, चलिए जल्दी से इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं एंड आंसर फाइंड आउट करते हैं। देखिए, सबसे पहले गिवन रेडियस इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। नाउ एंगल इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। ये दो चीजें गिवन है। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है एंड अंडर रूट की वैल्यू 1.37 लेनी है। नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द कोरिस्पोंडिंग सेगमेंट। सो एरिया ऑफ द कोरिस्पोंडिंग सेगमेंट इज इक्वल्स टू थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कोस थीटा बाय 2। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं गाइस। चलो जल्दी से, थीटा 120 बाय 360 इनटू पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, सो पॉइंट हटाकर जीरोस लगा दीजिए इनटू आर स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 माइनस फिर से आर स्क्वायर 144 इनटू साइन थीटा कितना गाइस 120 और 120 बाय 2 कितना होगा 60। चलो लिख के दिखा देता हूँ। साइन 120 बाय 2 इनटू कोस 120 बाय 2, ये चीज गिवन है, कट कीजिए 60। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है वो लिख दीजिए यहाँ पर, अंडर रूट 3/2 और कोस 60 की हाफ होती है। नाउ अंडर रूट 3 की जगह पर लिखिए 1.73 3/2। पॉइंट को हटा दीजिए और जीरोस लगा दीजिए डिनोमिनेटर में, हटा दिया पॉइंट, ये हो गया। अब फाइनल ये चीज हमें सोल्व करनी है, कीजिए तो जल्दी से सोल्व। जीरो से जीरो कैंसिल, 12 3 पे कट होगी, 3 4 3 8
और कुछ तो नहीं कट हो रहा, नीचे जीरो ही रख लेते हैं, उसके बाद पॉइंट लगा देंगे सीधा। इसे कट कीजिए, 2 1 जा 2 7 जा 2 2 जा 100 में 2 पे जाएगा ना, तो 2 3 जा 2 6 जा, बचा गया अपने पास 314 इंटू 48 बाई 100 माइनस 36 इंटू 173 बाई 100। ये चीज सॉल्व करनी है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 134 को। नाउ नीचे से 100 रिमूव कीजिए, एंड पॉइंट लगा दीजिए। चलो कर दिया रिमूव, पॉइंट यहां पर एंड यहां पर, इन्हें सब्ट्रैक्ट कीजिए, रिजल्ट आएगा इस अपने पास 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है ये? शेडेड पोर्शन, शेडेड पोर्शन, और यू कैन से दैट द एरिया ऑफ द कोरिस्पोंडिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल केम्स आउट टू बी 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सारे यहाँ पर रफ वर्क था अपना, ये सारा गाइस मैंने कैलकुलेशन इसलिए करके दिखाया सो दैट इट्स गोइंग टू बी इजी फॉर यू ऑल गाइस, दैट्स ऑल, नथिंग रिलेटेड टू दैट कैलकुलेशन एक्सेप्ट दैट। सो ओके बाय गाइस, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक कर देना एंड मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना। वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय गाइस, स्टे हेल्दी स्टे सेफ, बाय।